अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शहर मुख्तार है और आज है जी 5 सितंबर 2024। आज से एग्जैक्ट 3 साल पहले मैं कनाडा आया था एंड इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दोज 3 ईयर्स। मैंने उसमें क्या किया, क्या मिस्टेक्स की, क्या कुछ सीखा और वो सारी चीज़ें जो मुझे सीखने में और अंडरस्टैंड करने में 3 साल लग गए। आई वॉन्ट यू गाइज कि आप इस वीडियो से उससे सबक हासिल करें एंड यू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स बिफोर 3 ईयर्स। आपको ये वीडियो जब पता लगे एंड यू हैव प्रीटी मच आइडिया बिफोर हैंड के किस तरह क्या करना है, कब करना है और कौन से काम हैं जो नहीं करने। सो लेट्स गेट इन टू इट। ऑल राइट, सो दिस वीडियो विल बी इन 6 पार्ट्स। सो द फर्स्ट वन विल बी पर्सनल ग्रोथ। एज फॉर माई पर्सनल ग्रोथ कंसिस्ट, आई वॉज द पर्सन जो कि बेसिकली इतने काम नहीं करता था घर में व्हेन आई वाज इन बैक इन पाकिस्तान, बट नाउ आई हैव डेवलप्ड सम स्किल्स बिकॉज यहाँ पर यू आर ऑल दैट यू हैव टू डील विद एवरीथिंग दैट लाइफ थ्रोज एट यू। आप अकेले होते हैं, आपने सारे काम खुद करने होते हैं, वेदर इट्स कुकिंग, जॉब, घर के काम, यूनिवर्सिटी कॉलेज के काम, बाहर के काम इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मल्टीपल जॉब्स। तो आई हैव लर्नड अलॉट अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब कुकिंग भी आ गई है टू सम एक्सटेंट। आई हैव डन अप टू 70 or 80 hours a week as well बिकॉज मेरा कोप था। अगर मैं आपको स्टार्ट से अपना जर्नी बताऊँ, आई केम हेयर ऑन 5 सितंबर 2021। आई लैंडेड हेयर ऑन दैट डे। तब से मैं एक ही जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। यहीं पर मैंने अपना मतलब अपना स्टार्ट यहाँ से ही किया था, यहीं पर मैं स्टार्ट में आकर रहना स्टार्ट किया था। बट जब आप यहाँ पर आते हैं यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सम थिंग्स। व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग हेयर आई वॉज लिविंग इन शेयर्ड अकोमोडेशन, बट नाउ आई हैव माई ओन रूम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आप शेयर करते हैं यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेवरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगला बंदा जो आपके साथ रह रहा है उसका स्केजुअल डिफरेंट है जॉब का या पढ़ाई का या वट एवर द केस इज़, तो लाइट्स का ऑन ऑफ होना, खाना पकाना, रूम का दरवाज़ा बंद खोलना, तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि मतलब काफ़ी बोदरिंग होती हैं, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट थिंग। तो आप जो एक अच्छी स्किल आप यहाँ पर सीख लेते हैं वो होती है कॉम्प्रोमाइज़ करने की। सेकंड थिंग जो आप यहाँ पर सीखते हैं वो आप ये सीखते हैं कि यू हैव टू लीव योर कम्फर्ट जोन। जब आप यहाँ पर आते हैं आप अपना कम्फर्ट जोन छोड़ देते हैं बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग 70-80 hours अ वीक, या आप मिनिमम वेज पर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप चॉइस में रहेंगे, आप ये कहेंगे कि जी मुझे फील्ड की जॉब ही करनी है, मुझे अच्छी जॉब ही करनी है, तो दैट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। हार्डली ऐसा होता है कोई बंदा यहाँ पर आए, आते साथ उसको उसकी फील्ड की जॉब मिल जाए। दैट्स रेयरली हैपन। मतलब आई डू नो सम पीपल, वो सिर्फ इसलिए जॉब नहीं कर रहे बिकॉज दे थिंक कि जो काम उनको मिल रहा है वो छोटा है या कम पे वाला है, या उसमें उनको सफाई करनी पड़ रही है, या रेस्टोरेंट में बर्गर्स फ्लिप करने पड़ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो दीज स्टीरियोटाइप्स यू हैव टू बी अ पर्सन जो कि ये चीज़ें कंसीडर ना करे। बिकॉज देखें, व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर यू गेट एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस आ जाता है, डजंट मैटर विच फील्ड यू आर वर्किंग इन, और कोई भी जो प्रोफेशन है वो छोटा बड़ा नहीं होता। ये सारी प्रेफरेंसेस आपको तब देखनी होती हैं व्हेन यू आर डाउन द लाइन, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो जाए। तो आई स्टार्टेड इन अ रेस्टोरेंट। मैं आया था 5 सितंबर को यहाँ पर। 27 सितंबर को आई स्टार्टेड जॉब इन अ रेस्टोरेंट एंड दैट रेस्टोरेंट जॉब आई लेफ्ट लास्ट संडे। मैंने ऑफिशियली रिज़ाइन जो दिया है वो लास्ट संडे को दिया है, आफ्टर 2 years and 11 months। I worked there when I was a student. जब मैं कॉनिस्टोगा में अपनी पढ़ाई कर रहा था, I worked there as a part time. जब part time आप काम करते हैं तो you have only allowed 20 hours. Change भी होते हैं ये hours based on के उस वक्त क्या चल रहे हैं government की policy के मुताबिक। मेरे केस में 20 hours allowed थे। I did 20 hours when I was a student. फिर थर्ड सेमेस्टर में मेरा था कोऑप। जब मैंने कोऑप अपना किया, it was in a construction firm. फिर थर्ड सेमेस्टर मैंने सारा अपना कोऑप किया। कोप वाली मेरी एक वीडियो चैनल पे पड़ी, आप देख सकते हैं किस तरह कोप फाइंड करना है, कोप होता क्या है, कितने पैसे होते हैं, कितना आप अर्न करते हैं, कितना आप काम करते हैं, एवरीथिंग इन देयर। फिर जब मैंने कोप ख़त्म कर लिया, फिर फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैं अपने कॉलेज में वापस गया। एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय फोर्थ सेमेस्टर आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम इन द सेम फर्म जहाँ पर मैंने अपना कोप किया था। दे हैव ऑफर्ड मी पार्ट टाइम, तो मैंने पार्ट टाइम वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था वहाँ पर भी मैं काम करता रहा। तो आई वाज डूइंग थर्ड अपना फोर्थ सेमेस्टर इन अ कॉलेज, देन वन पार्ट टाइम जॉब
एट रेस्टोरेंट एंड वन पार्ट आई जॉब एट अ कंस्ट्रक्शन फर्म. जब मेरा फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म हुआ देन आई हैव बीन ऑफर्ड फुल टाइम पोजिशन इन अ सेम कंस्ट्रक्शन फर्म. तो जनवरी 2023 ऑनवर्ड मैंने वहाँ पर अपना फुल टाइम काम अपना स्टार्ट कर दिया. आज जब आप 2 साल की यहाँ पर स्टडीज़ करते हैं यू हैव बीन अलाउड 3 ईयर्स ऑफ वर्क परमिट. देर आर फ्यू फैक्टर्स आपने कंसिडर करने होते हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग अ वर्क परमिट. आई हैव डन मल्टीपल जॉब्स ओवर द टाइम स्पैन. सेकेंड थिंग विच आई वांट टू टेल अबाउट इज़ फैमिली अटैचमेंट. When you come here, you have to leave several things. आपको अपने रिलेशनशिप छोड़ने पड़ते हैं, फैमिली छोड़नी पड़ती है, फ्रेंड से आप कट ऑफ हो जाते हैं बिकॉज हर एक के गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं. टाइम डिफरेंस होता है यहाँ से और पाकिस्तान का 8-9 घंटे का टाइम डिफरेंस है. आप अकेले हो जाते हैं एंड वेन एवर यू थिंक के मतलब आप अकेले हो रहे हैं तो थिंक इन अ वे दैट यू आर ऑन अ बेटर वे ऑन अ बेटर पाथ बिकॉज नॉट एवरी वन थिंक्स इन अ वे के मतलब आपने कुछ अचीव करना है. एंड द पीपल लाइक मी लाइक अस दे आर द पीपल दे डोंट हैव एनी लग्जरीज फ्रॉम बैक होम. यू हैव टू डू एवरी थिंग ऑन योर ओन. यू हैव टू डील विद एवरी थिंग विच लाइफ थ्रोज एट यू. तो आपको स्टार्ट जो है वो खुद से करना पड़ता है. डजेंट मैटर अगर आपके फ्रेंड्स छूट रहे हैं, आपकी फैमिली छूट रही है, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, दे हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल कि मतलब विद टाइम एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट. अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वाज़ वेरी वेरी अटैच्ड विद माय फैमिली, स्टिल हूँ मैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दे डू अंडरस्टैंड माय सिनेरियो माय सर्कमस्टांसेस. और अगर कुछ दिन आप उससे बात नहीं कर पाते तो दे हैव टू बी इन अ वे कि वो अंडरस्टैंड करें कि वाई आई एम द वे आई एम. तो दिस इज़ समथिंग जो मैं चाहता हूँ आपको बिफोर हैंड पता हो कि जहाँ पर जब आप आते हैं आपके पेरेंट्स को भी ये बात पता हो कि यू गेट बिज़ी, यू हैव मल्टीपल जॉब्स, यू आर स्टडिंग, यू आर कुकिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. अगर कभी अल्लाह ना करे आपको बुखार वगैरह भी हो जाता है तो यू हैव नो वन ओवर हियर, यू हैव टू डील एवरीथिंग बाय योर सेल्फ. तो एवरीथिंग इज़ अचीवेबल अगर आप यहाँ पर आते हैं. यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स. आई डिड फेस दीज थिंग्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह I'm very grateful for everything whatever happened in the past and वो सब सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस ही था. आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज थिंग्स दोज एक्सपीरियंसिस. आई वांट टॉक अबाउट माइलस्टोन्स एंड अचीवमेंट्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स. फ्रॉम 5 September 2021 टिल टुडे 5 September 2024 आई हैव अचीव्ड मैनी थिंग्स. वन ऑफ दोज गाइज who struggled a lot at first. I would make one video in which I will talk about all the struggles which I had to face when I came here. Having a job, having a car, having a roof on your head and having some things jo ki jiske liye aap grateful ho, I guess that's all that matters in the end. Agar aap aaj thodi si struggle face kar rahe hain to doesn't mean ye aise hi rahegi. Life is going to be better. Allah ताला किसी को भी उसकी बुकत से ज़्यादा या जितना वो बर्दाश्त कर सके उससे ज़्यादा struggle नहीं देते. तो you have to be faithful because you have to faith it until you make it. तो do that as well. बाकी there are few other things which I'm working on these days. जब वो फाइनलाइज हो जाएंगी एंड इफ़ आई गेट सक्सेसफुल इन टू दोज थिंग्स इंशाल्लाह तो मैं वो भी पब्लिक करूँगा. आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ दोज थिंग्स. सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू माई फाइनेंशियल, सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू माई इमिग्रेशन, सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू माई फ्यूचर सेल्फ. तो आई वुड शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू गाइज एज वेल. एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट द कल्चरल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन इज़ समथिंग जो कि आपको यहाँ पर आकर सीखनी पड़ती हैं. जब आप कैनेडा में आते हैं you have to be in a way कि you have to be in their culture because आप उनकी कंट्री में हैं, वो आपकी कंट्री में नहीं है. so you have to keep your religion with you. आप अपने religion को practice करें but in a way that you don't bother other people, that you don't do something which make yourself or because of you, आपकी वजह से आपके culture का, आपकी country का नाम जो है वो ख़राब ना हो. फ्यू कल्चरल थिंग्स लाइक आपको पता होना चाहिए कि ये लोग किस टाइम पे सोते उठते हैं, जॉब के कल्चरल क्या होते हैं, जब आप क्यू में किसी लाइन में लगे हुए होते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या होती हैं. मतलब दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि अभी आपको सुनने में बहुत माइन्यूट सी लग रही होंगी, बहुत माइनर लग रही होंगी, लेकिन दीज आर बिग थिंग्स. इफ़ यू गो ऑन ट्विटर, इफ़ यू गो ऑन इंस्टाग्राम, पीपल आर टॉकिंग अबाउट brown people, specifically about us being a Pakistani and about Indian people. And the main reason being there are some things jo ke hum galat karte hain and we have to correct those things. For example, if you are in a line, you are not supposed to be both close to the other person. Like
यू हैव टू कीप अ सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पर हर बंदे की एक पर्सनल स्पेस होती है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर गोइंग इन अ मॉल, यू हैव टू कीप द डोर ओपन फॉर द अदर पर्सन हु इज़ कमिंग बिहाइंड यू. तो दिस इज़, लेकिन देखें, कहने सुनने में बहुत माइनर सी चीज़ है ये, बट दिस डिफाइंस योर सेल्फ टू देम एज वेल. तो वो ये चीज़ें कंसिडर करते हैं. थर्ड थिंग, अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो डू लेट देम नो दैट यू आर लीविंग द जॉब रादर देन जस्ट स्टॉप गोइंग टू द जॉब. ये चीज़ सही नहीं है. आप वहाँ पर अपना प्रॉपर रेजिग्नेशन दें, एक दो वीक का अपना गैप दें, वहाँ पर उनको बताएं आप छोड़ रहे हैं, ताकि कल को अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई और जॉब ख़त्म हो जाए तो आप हमेशा वहाँ पर दोबारा जा सकें, आप अपनी रेपूटेशन इस तरह की वहाँ पर बनाएं. फोर्थ थिंग इज़ के जस्ट इन केस अगर आप कभी किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो मतलब डोंट थ्रो योर गार्बेज राइट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. पीपल डोंट डू दैट इन हेयर. आई नो वी आर नॉट यूज्ड और वी आर नॉट इन अ वे, हमने ये सारी चीज़ें कभी सीखी नहीं है बैक इन कंट्री, बट वी हैव टू लर्न इन अ वे के मतलब हम इनके कल्चर में हैं. एंड वेन एवर वी कम हेयर वी हैव सर्टेन गोल्स इन आर माइंड, राइट? हमने पी आर लेनी है, हमने सिटीजनशिप लेनी है, या हमने वापस जाना है, वट एवर द केस इज़, यू स्टिल नीड टू कंसिडर दीज थिंग्स के मतलब आप उनके कल्चर को समझें, उनके इवेंट्स को ज्वाइन करें, उनके टाइमिंग्स का ख्याल करें, उनको रिस्पेक्ट दें. एंड नो डाउट दे गिव यू रिस्पेक्ट एज वेल. लाइक आई बीन हेयर फ्रॉम 3 ईयर्स, आईव नेवर फेस्ड एनी थिंग एट माई जॉब और एनीवेयर जो कि मैं कहूँ कि यार दे डिसरिस्पेक्टेड मी. हाँ, जो लेग पुलिंग होती है या जो आई डोंट वॉन्ट से सम थिंग्स इन हेयर, वो यहाँ पर भी होती हैं, बट यू हैव टू बी इन अ वे, यू हैव टू कोप इन अ वे, बिकॉज यू आर इन नीड. आपको ज़रूरत है जॉब की, आपको ज़रूरत है पैसों की, दे डोंट नीड यू, यू नीड दैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी प्रिसाइज. और ये चीज़ मुझे अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगा है, बट द सोनर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू नीड दैम, यू नीड दैट जॉब, यू नीड दैट मनी, यू नीड दैट रिस्पेक्ट, द बेटर इट विल बी. इफ़ आई टॉक अबाउट द इमिग्रेशन जर्नी, आई टोल्ड यू आई केम हेयर एज अ स्टूडेंट इन 2021. आई स्टडी 2 ईयर्स, इन दैट 2 ईयर्स आई हैड अ कोप एज वेल, आई डिड माई कोप. फिर उसके बाद मैंने वर्क परमिट फाइल किया अपना, आई एम ऑन अ वर्क परमिट एट द मोमेंट. जब आप वर्क परमिट पर होते हैं यू हैव टू सी डिफरेंट राउट्स फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, तो यू हैव टू कंसिडर डिफरेंट थिंग्स. देर आर डिफरेंट ऑप्शन, एक्सप्रेस एंट्री, सी, PNP, different things. So I'm working on those things as well. I do not have any confirmation of anything at the moment, but hope for the best, inshallah. Future kya hold karta hai, I'm not sure, but definitely there are a few things jo ke har banda chahta hai, jo ke hai ji aapka apna business ho, aapki shaadi hui bhi ho, you have a good spouse, aapka acha ghar ho, aapki family aapke saath ho, आपके पास अपनी गाड़ी हो, आपके पास अपना घर हो, आपकी मुआशरे में इज्जत हो. तो दीज आर द थिंग्स जो कि मतलब हर बंदा चाहता है, और मैं भी यही सब चाहता हूँ. एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दोज थिंग्स. तो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग सो फार. अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ हैड बीन गुड. अल्हम्दुलिल्लाह, देर वर फ्यू पैचेस, दोज वर हार्ड, दोज वर डिफरेंट, दोज वर टफ, बट यू गॉट टू बी इन अ वे दैट दिस इज़ लाइफ. Is a test. It is never meant to be easy. And whenever you feel something, just feel or just think, okay, whatever you are facing, he knows. And if he knows, then you shouldn't be worried about that, because if Allah Ta'ala knows whatever is happening, and whatever is happening unki permission se. So if Allah Ta'ala if doing something, you got to be in a way, you have to be trustful. Okay. जो भी होगा वो अच्छा होगा. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन अ रोलर कोस्टर. एवरी डे न्यू टेंशन, न्यू थिंग्स, न्यू हैपनिंग्स इन लाइफ. लाइफ की डायनेमिक्स टोटली चेंज हो जाती हैं. अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें विच आई हैव मेड व्हेन आई केम हियर इन कैनेडा, एंड इफ़ यू सी दिस वीडियो, दैट्स बीन 3 ईयर्स जर्नी सो फार. हैड फ्यू मोमेंट्स, लाइफ बीन रियली रियली टफ. I do have some few instances which I want to share, but I haven't shared with anyone so far. I want to, but I am very sensitive in a way that I don't want to make things awkward, or in a way ki mere parents worried ho, meri family worried ho, mere relationships worried ho with people, with everyone whom I'm in contact with. Lekin aap logon ko ye cheez understand karni chahiye के लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल. लाइफ इज़, यू जस्ट हैव टू बी इन अ वे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देर वर फ्यू इंस्टेंसेज एट जॉब, देर वर फ्यू इंस्टेंसेज व्हेन आई वाज अलोन, देर वर फ्यू इंस्टेंसेज जब यू नीड समवन, यू हैव टू टॉक टू समवन, यू वांट समवन.
कभी आप जॉब से आते हैं एंड यू आर वेरी टायर्ड, यू आर नॉट इनफ, यू डोंट हैव इनफ एनर्जी कि आप कुछ बना सकें, या कभी आप एक जॉब से आते हैं यू डोंट हैव एनर्जी टू गो टू द सेकेंड जॉब, या कभी आप बीमार होते हैं एंड यू हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ़ यू, या कभी समथिंग हैपन्स जो कि एक बंदा वो काम नहीं कर सकता एंड यू नीड सम वन, ऑल दोज इंस्टेंसेज वेन यू फील दैट यू आर अलोन, बिलीव मी यू आर गोइंग टू फेस दोज थिंग्स एंड यू आर गोना क्राई एट दैट टाइम, बट थिंकिंग अबाउट ऑल दोज मोमेंट्स नाउ विच वर इन पास्ट, इफ़ यू थिंक दोज मोमेंट्स अभी अगर आप उनके बारे में सोचेंगे you should be grateful about those moments because they teach you, they make you whatever you are at the moment. So, मेरी पेरेंट्स से भी सारों से ये रिक्वेस्ट है, डोंट थिंक दैट कैनेडा इज़ अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ एवरी थिंग, और अगर किसी का कैनेडा में नहीं भी होता तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग, पुट अल्लाह ताला योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड एवरी थिंग एल्स इज़ गोइंग टू बी इन योर वे, अभी नहीं हो रहा तो फिर क्या हुआ, बट अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर बिकॉज वी प्लान्स एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर. थैंक यू, बाय.